आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आई महाराजपुर कानपुर नगर से, जहां अज्ञात युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप। कानपुर शार थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीतरगांव चौकी सतरौली और कंधरा के बीच पड़री बम्बा के ऊपर एक अज्ञात युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार शाम के समय खेत की तरफ गए ग्रामीणों ने बम्बा के ऊपर एक अज्ञात युवती के दोनों हाथ कपड़े से बंधे शव को देखा, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। सूचना देने पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के पास से कोई भी पहचान पत्र न मिलने से शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। कानपुर नगर से जिला संवाददाता संदीप यादव की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। दूसरी तरफ उन्नाव से बड़ी खबर आ रही, जहां मुआवजे को लेकर पुलिस पर किया गया पथराव। पुलिस ने जवाब में किया लाठीचार्ज, शव को रोड पर रखकर लगाया जाम। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों व ग्रामीणों का हंगामा, पुलिस पर किया पथराव, कई पुलिसकर्मी हुए घायल। कल अकरमपुर में हुई मार्ग दुर्घटना में देवीखेड़ा निवासी युवक की मृत्यु के कारण आज अकरमपुर टीवी टावर के निकट ग्रामवासियों ने शव रखकर जाम लगाया। वहीं दूसरी तरफ कानपुर के ककवन ब्लॉक से खबर आ रही है, जहां रोजगार सेवक की मोटरसाइकिल से चोरों ने बैग किया पार। ककवन ब्लॉक के गढ़ेवा गांव के रोजगार सेवक कमलेश कुमार गौतम की माइनर पर खड़ी मोटरसाइकिल से बैग चोरी कर ले गए चोर, जिसमें जरूरी कागजात के साथ साथ बैंक की पासबुकें थीं। पीड़ित गढ़ेवा में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे काम को देखने के लिए गया था। पीड़ित ने बताया कि उसकी स्वयं की बैग में स्टेट बैंक कल्याणपुर 39 आज़ाद नगर की पासबुक, बैंक बड़ौदा औरतारपुर एवं बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक कमसान की पासबुकें थीं। पीड़ित ने ककवन थाने में उक्त के संबंध में लिखित सूचना दी, ताकि उसके महत्वपूर्ण प्रपत्रों का कोई दुरुपयोग न कर सके। क्या हुआ घटना आपके साथ? हम मनरेगा में काम चल रहा था, बम्बी से इंग्लिश के खेत पर नाला खुदाई का। कहाँ चल रहा था? गढ़ेवा ग्राम पंचायत में जी। फिर वहीं पे काम करा रहे थे, बम्बी से इंग्लिश के खेत पर जी। हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी, बाइक खड़ी करने के बाद में बैग भी रख दिया, जिसमें ग्राम पंचायत पूरे और ग्राम पंचायत गढ़ेवा के MR और बेज लिस्ट थे जी। चोर आए, हमारी बैग और कागज पत्र पूरा बैग ही लेके फरार हो। आपने देखा नहीं? हम देख नहीं पाए, बस दूर से देखा, जब तक आया तब तक वो फरार। ये कितने बजे घटना है? घटना वही है 10:30 या 11:15 बजे। तो आपने कोई किसी को सूचना दी? अभी हम नहीं कराए, इसके बाद थाने में मैं। वहीं बिल्लौर में SDM आवास पर पहुंचकर रचना सिंह ने, सपा नेत्री रचना सिंह ने SDM आकांक्षा गौतम से मुलाकात की और NH-91 पर बाईपास बनाए जाने की मांग की, साथ ही संबंधित ज्ञापन सौंपा। बीते मंगलवार को बिल्लौर कोतवालेश्वर मंदिर प्रांगण में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पांडे की अगुवाई में कांग्रेसियों ने पढ़ा सुंदरकांड और भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार के द्वारा राम मंदिर निर्माण को लेकर बनाए गए ट्रस्ट के द्वारा की जा रही धांधली, 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचने को लेकर भ्रष्टाचार की बात कही। उपस्थित कांग्रेसियों ने कहा कि यह सुंदरकांड इसलिए किया जा रहा है ताकि भगवान ट्रस्ट कमेटी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सद्बुद्धि दे। इस अवसर पर अमित पांडे, आनंद प्रकाश वर्मा, सुनील वाल्मीकि, आर्यन सिंह, रीता कठेरिया, सुशील पटेल, रामेंद्र कटियार, दिनेश शुक्ला, आशीष त्रिपाठी, वीर बहादुर सिंह व प्रगत सिंह कटियार आदि मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सरकार को उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट को उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों को ईश्वर सद्बुद्धि दे, ईश्वर सद्बुद्धि दे। जनता के द्वारा जो भी चंदा भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए दिया गया है उस चंदे का सदुपयोग मेरे भगवान राम के मंदिर के निर्माण में
निर्माण में सुचारू रूप से खर्चा करें, सुचारू रूप से खर्चा करें, ना कि उसमें कमीशन, ना कि उसमें कमीशन, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, और जमीन के खरीद फरोख्त में, और जमीन के खरीद फरोख्त में दलाली में इस्तेमाल न करें, दलाली में इस्तेमाल न करें, हे ईश्वर, हे ईश्वर, भाजपा वालों को सदबुद्धि दे, भाजपा वालों को सदबुद्धि दे। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।